तो जो आज का सेशन है वो हमारा होगा सम इफ काउंट इफ। ठीक है, पर पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ क्या मैंने पिछले सेशन में सम इफ काउंट इफ करवाया था कि नहीं, क्योंकि मुझे लुकअप इन रेफरेंसेस टू करवाया था ना मैंने। सम एफ काउंट एफ का सम नहीं, ये दूसरा है, नहीं करवाया था। तो हम क्या करने वाले हैं, सम एफ काउंट एफ ये सब किस लिए यूज़ होता है? देखो, सबसे पहले काउंट, काउंट में कोई रेंज सेलेक्ट करते हो तो ये आपको काउंट देता है किसका, नंबर का, कितने नंबर हैं उसके अंदर। ठीक है, रोज कितनी है? नंबर कितने हैं वो काउंट करता है। काउंट ए को अगर आप वही रेंज देते हो जिसका मतलब होता है काउंट अल्फ़ाबेट, तो ये बताता है टेक्स्ट भी उसके अंदर कितने हैं, मतलब टेक्स्ट भी काउंट कर लेता है। जैसे सेल्स का हेडिंग थी वो टेक्स्ट में थी, तो ये सब कुछ काउंट करता है, ये खाली नंबर काउंट करता है। ठीक है, काउंट ब्लैंक क्या करता है, काउंट ब्लैंक आपका ब्लैंक काउंट करता है किसी रेंज में। जैसे यहाँ पे रेंज है और इसमें ये ब्लैंक डाल दिए, तो ये काउंट ब्लैंक, तो इसके अंदर ब्लैंक कितने ये बताएगा। ठीक है, यहाँ कर देते हैं काउंट ब्लैंक, तो ये काउंट ब्लैंक बताएगा आपको, ब्लैंक काउंट करेगा। उसके बाद काउंट इफ आपको बताता है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। मैं क्या करता हूँ, इसको उठाता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ, डेटा में जाके पहले रिमूव डुप्लीकेट्स कर लेता हूँ जिससे डुप्लीकेट रिमूव हो जाएंगे और मेरे पास जो जो हैं वो आ जाएंगे। ये एक्स्ट्रा मैंने डाले हुए थे तो इनका कोई वो नहीं है। ठीक है, जब मुझे चेक करना हो काउंट ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स कितने हैं, ठीक है, तो मैं यूज़ करूँगा काउंट इफ। ठीक है, तो काउंट इफ में मैं क्या करूँगा, पूरी पहले रेंज सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, और उसके अंदर क्राइटेरिया कि क्या ढूँढना है, ये ढूँढना है। अब ये काउंट करके बताएगा कि ये रिकॉर्ड कितने हैं, 131, 136, 134, 139। ठीक है, ये काउंट है, काउंट, नहीं लिखा हुआ है। हाँ काउंट इफ। अगर आपको पता करना हो कि ये इस बंदे के दिल्ली के रिकॉर्ड कितने हैं, तो दो क्राइटेरिया हो गए ना, इसके लिए लगेगा आपका काउंट इफ्स। मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए इफ्स यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें क्राइटेरिया रेंज वन, जिसमें पहला आपका क्राइटेरिया ढूंढा जाएगा, तो एक रेंज हो गई हमारी ये नेम वाली। ठीक है, फिर क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया वन, मैंने कहा क्राइटेरिया वन ये है। ठीक है, फिर क्राइटेरिया रेंज टू कौन सी है, मैंने कहा क्राइटेरिया रेंज टू ये है, दिल सिटी। ठीक है, और कॉमा क्राइटेरिया टू क्या है, ये सिटी। ठीक है, इसके बेस पे तो ये काउंट बताएगा कि ऐसे कितने रिकॉर्ड हैं। ठीक है, अगर आपको ये पता करना हो कि ग्रेटर देन 50 कितने रिकॉर्ड हैं, ऐसे ही एज अ जनरल, तो काउंट इफ रेंज ले ली मैंने। ठीक है, और मैंने इसमें लिख दिया इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन 50, क्योंकि एज अ टेक्स्ट एंट्री होगी है, तो ये बताएगा इतने रिकॉर्ड ग्रेटर देन 50 है। चेक करने के लिए जैसे फिल्टर में मैंने बताया था ना, ये फिल्टर है नंबर फिल्टर,
ग्रेटर देन 50 डाल दो, 339 आए थे ना, ये नीचे कितना आ रहा है, 339। ठीक है तो इस तरह से अब आपको देखना है कि एस से शुरू होने वाले नाम कितने हैं, मतलब उनका रिकॉर्ड क्या है शुरू होने वाले। तो यहाँ पे सेम मेथड हम उससे यूज़ करते हैं काउंट इफ के थ्रू, जो मैंने फिल्टर में बताया था स्टार और क्वेश्चन मार्क बताए थे ना, तो सेम वही चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे स्टार लगा दिया आगे, कंकैटिनेट कर दिया इसके साथ, तो स्टार और क्वेश्चन मार्क का जो यूजेज होता है वो आप कर सकते हो। ऐसे ऐसे स्टार्ट होने, ये तो एंड 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 होने वाला है, आ गया, तो मैं इसके बाद में कंकैटिनेट कर देता हूँ स्टार। ठीक है, तो ये आ गया 272, जो कि इसका और दो एक्स्ट्रा नाम थे ना, तो ये 270 और दो, एक में आई था एक में वो था, तो 272 टोटल आएंगे। ठीक है, तो स्टार वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह मैंने बताया था कि 5 कैरेक्टर के नाम कितने हैं, तो वो अगर आपने काउंट करने हैं तो 5 कैरेक्टर के लिए क्या था, क्वेश्चन मार्क 5 बार, ये बता देगा 136 है, कौन से वाले, ये है। ठीक है, उसको इनवर्टेड कॉमा में देना होगा। हाँ, इन्वर्टेड कॉमा में देना होता है ये सब स्टार और सब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काउंट इफ और ये काउंट इफ्स। ठीक है, अब सेम चीज़ मैं करता हूँ सम के साथ। अब मुझे क्या चाहिए, काउंट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सम। सबसे पहले टोटल कितना है इनका हर एक का, ठीक है, तो लगेगा सम इफ। सम इफ के फॉर्मूला में देखो, रेंज क्राइटेरिया और सम रेंज। ठीक है, तो रेंज देंगे, क्राइटेरिया क्या हो गया हमारा, क्राइटेरिया ये हो गया, पहले क्राइटेरिया वन रेंज और क्राइटेरिया फिर सम रेंज, उसके बाद में सम रेंज देनी है आपने, तो ये आपका टोटल निकाल देगा इनका। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हमें उस बंदे का दिल्ली की सेल्स निकालनी हो तो सम इफ्स लगेगा। जब भी एक से ज़्यादा कंडीशन हाँ, तो इफ्स लग जाता है। तो सम इफ्स और सम में क्या डिफरेंस है, उसमें क्या है, सम रेंज पहले बाद में लेता है, इसमें सम रेंज आपसे पहले लेता है। ठीक है, वो कहता है पहले मुझे सम रेंज दे दो, बाद में क्राइटेरिया देते रहना आप। ठीक है, तो मैं इसमें पहले इसको सम रेंज दे देता हूँ, क्राइटेरिया रेंज वन, तो क्राइटेरिया रेंज वन कौन सी है, ये है। ठीक है, क्राइटेरिया वन पढ़ पढ़ के लगाओगे तो लगा लोगे, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद दिल्ली वाला सिटी का, और सिटी यहाँ से मैंने ये ले ली कि ये सिटी है। ठीक है, तो ये आपका टोटल दिल्ली की सेल बता रहा है हर एक की। ठीक है, अब आपको चेक करना है ग्रेटर देन 50। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये सम इफ लगाता हूँ, और रेंज क्राइटेरिया वही रहने देता हूँ। पता क्या, जब रेंज को ही हमने सम करना है तो सम रेंज अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसी में चेक करना है कि हमें ग्रेटर देन 50 कौन सा है, तो हमें सम रेंज देने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल हो जाता है वो। तो ये आ रहा है, एस से स्टार्ट होने वाले कितने हैं, तो ये काउंट की जगह मैं सम इफ लगा दूंगा, सम इफ। क्राइटेरिया रेंज तो दे ही दी थी, क्राइटेरिया हमने दे दिया था, इफ को हटा दो, और क्या देना है, सम रेंज, तो ये सम रेंज दे देंगे। ठीक है, ये आ गया, इसमें क्या किया था वही कि 5 बार सम होने वाले, तो इसको भी बना देता हूँ सम, सम इफ।
और सम रेंज दे देता हूँ। ये आ गया, ठीक है। तो इन इन पैटर्न में ये यूज होते हैं। सम इफ काउंट इफ, बढ़िया से आ गया समझ। हाँ, इस हमें सेल्स, हमने हमें ये बताना पड़ता है ना कि टोटल करना क्या है, उसको इससे थोड़ी पता पड़ेगा कि क्या टोटल करना है। हाँ, काउंट बताता है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं। और जो ये टोटल सेल्स जो आ रहा है वो बता रहा है सम कितना है इनका, ठीक है। जैसे पिवट से समरी निकालते हैं ना हम लोग, सेम वही काम हम फार्मूलाज से कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसको मैं एरे फार्मूला जब कराऊंगा तो इसी में और लेके जाऊंगा, ठीक है। सम इफ काउंट इफ में इससे भी ज़्यादा कुछ होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आज हम ठीक है, उसका मैंने बताया था वैसे वीडियो में है। तो मैथमेटिकल ये करवा चुका हूँ क्या मैं? हाँ, तो मैथ्स के फॉर्मूला मैं इसके बाद आपको बता देता हूँ कि मैथ्स किस तरह से यूज होता है, मैथ्स के फॉर्मूला का। सबसे पहले मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री में ये जो कॉस ए कॉस कॉट कॉट ये सब, वो साइन कॉस थीटा ये सब है, अपने काम का कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें हाँ, अब जैसे मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, ये ले लिया, ठीक है। अब नंबर चाहे नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में, अगर उनकी वैल्यू पॉजिटिव में ही चाहिए तो एबीएस का फंक्शन लगता है, मींस एब्सोल्यूट। तो जहाँ नेगेटिव होगा ये उसको भी पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। इसका यूज़ इसलिए होता है कि जैसे तुम दो चीज़ों में कंपैरिजन कर रहे हो, मान लो कि यहाँ पे कुछ है तुम्हारी एक टाइप का रेंट बिटवीन, ये लगा दिया और यहाँ ये लगा दिया, तो हम सेल्स वन सेल्स टू और हमें निकालना है डिफरेंस, ठीक है। अब मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, अब ये मैंने नीचे तक कर दिया। तो अगर आपको निकालना है डिफरेंस कितने का है, तो आप अगर ऐसे निकालोगे तो क्या ये सही डिफरेंस आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। टोटल आउट कितना है, तो यहां पे आपका एबीएस लगेगा, टोटल डिफरेंस कितने का है हमें ये जानना है। तो ये बताएगा कि हमें कि ये का डिफरेंस था आपका, इसमें चार का है, टोटल 308 का डिफरेंस आ रहा है प्लस माइनस में, ठीक है। क्या चीज़ नहीं नहीं जैसे एक एक में डिफरेंस, मान लो कि इसके साथ एसोसिएटेड है कुछ प्रोडक्ट है, ठीक है, या ये नंबर किसी क्वांटिटी के हैं, तो डिफरेंस कितनी क्वांटिटीज़ का आ रहा है हर एक रिकॉर्ड में वो चेक करने के लिए, ठीक है। नहीं तो ये प्लस माइनस वो हो जाए, बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस नहीं करना है, टोटल डिफरेंस ही हमें, मेजर डिफरेंस ही निकालना है, ठीक है। तो उस जगह एबीएस का यूज़ करेंगे, ठीक है। एबीएस के बाद दो चीज़ें होती हैं, जैसे हम ये एक होता है हमारा नंबर सिस्टम जो होता है, ठीक है, रोमन नंबर्स में चाहिए तो रोमन का फॉर्मूला है,
ठीक है। पर अगर आपके पास रोमन नंबर लिखे हों तो उनको इन नंबर्स में कैसे बदलोगे? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इनको कहते क्या है, क्या कहते हैं इनको। इंग्लिश नंबर नहीं होते वो, रोमन है, ये रोमन है, तो ये क्या है? ये है आपका अरेबिक। ये फॉर्मूला 2013 वाले वर्जन में ही आया है, ठीक है, ये आपका निकाल देगा। एक और चीज़ होती है, देखो डिफरेंस क्या होता है इन सब चीज़ों में, जो टेक्स्ट के फॉर्मूला है इनका आउटपुट टेक्स्ट ही होगा, जो मैथ इन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला है इनका आउटपुट मैथ्स ही होगा, ठीक है, मतलब मेजर फॉर्मूलेज में, ठीक है। कई बार अगर आप टेक्स्ट से आपने नंबर निकाल लिया टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज़ करके, तो वो टेक्स्ट की फॉर्म में होगा, कई बार कैलकुलेट नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो उसके आगे हम या तो जैसे कि अगर मैं इसको टेक्स्ट का नंबर डाला यहाँ से लिया और ये कोड डाल दिया, तो ये इधर आ रहा है ना, लेफ्ट अलाइन, तो ये टेक्स्ट में आ रहा है ना। तो कई बार ये हो सकता है कि कैलकुलेट ना करे, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है वैल्यू का, वैल्यू में डालोगे तो ये न्यूमेरिक ले लेगा, ठीक है, ये होता है। अब क्या करते हैं हम, एक हमारे पास होता है सीलिंग और इस नंबर्स को और बढ़ा देता हूँ क्योंकि मैं कुछ और करने वाला हूँ। एक आपके पास होता है सीलिंग का फंक्शन, ठीक है, सीलिंग लगाता हूँ, ये कैपिंग के लिए होता है, सीलिंग, सी, अबे आ जा, हाँ सीलिंग, सीलिंग में आप नंबर देते हो और सिग्निफिकेंस देते हो, तो ये सिग्निफिकेंस जब तक नहीं मिल जाता तब तक ये यही दिखाएगा, मतलब जो सिग्निफिकेंस में हम नंबर डालेंगे वो उसके मल्टीप्लाई में चलेगा। जैसे 7 नहीं मिला जब तक, इसे ये 7 ही देता रहा, आगे के नंबर ये कह रहा है कि ये आपकी 14 वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, 14 तक ये चलेगा, हाँ ऐसे। सीलिंग और फ्लोर, सीलिंग क्या होता है आपका, छत होती है, फ्लोर डाउन होता है, तो ये एक स्टेप पीछे रहता है इससे, 7 का देता हूँ, तो ये जब तक 7 नहीं मिल जाता ये 7 नहीं देगा, जब तक 14 नहीं मिल जाता जब तक 14 नहीं देगा, ठीक है। दिखाता हूँ इसका यूज़, इसका यूज़ है कि आपने मान लो कि आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो 7-7 की पैकिंग में आते हैं, 7 पीस एक बॉक्स में आते हैं, ठीक है। आप चाहते हो कि मैं बस नंबर डालूं और ये पता पड़ जाए कि कितने बॉक्स मेरे को मंगाने हैं या कितने बॉक्स मेरे पास पैक पड़े हैं, तो इन दोनों फंक्शन का यूज़ होगा। जैसे कि मैं इसमें डिवाइड बाय 7 कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो मैंने मैंने कहा मुझे 13 चाहिए, तो ये कह रहा है 2 बॉक्स मंगा लो, ठीक है। और यही जब मैं बेचने को कर रहा हूँ, फुल बॉक्स बेचने हैं मेरे को, तो कस्टमर ने मेरे से पूछा कि मेरे को 18 पीस चाहिए, मतलब उसने कहा 18 पीस चाहिए, तो मैं इसमें देखूंगा कि यार मेरे पास 2 बक्सों का माल, मैंने उसने कहा 3 बॉक्स चाहिए, मैं कहता हूँ मेरे पास 2 बॉक्स का माल है, ठीक है, कि इतनी क्वांटिटी है, मुझे पता पड़ जाएगा कितने पैक हैं, है ना। तो ये दोनों केस में यूज़ कर सकते हो, बट ये 0 से स्टार्ट भी होता है। मतलब आपके पास 4 पीस हुए तो आपके पास कोई भी बॉक्स नहीं है,
इसका मतलब है आपके पास एक बॉक्स है, इसका मतलब है आपके पास दो बॉक्स हैं, अच्छा जब तक सात नहीं है हमारे पास पीस तब तब तक बॉक्स कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ये है कि रिक्वायरमेंट है कि मेरे को इतने पीस चाहिए, तो कितने बॉक्स मंगाने पड़ेंगे? तीन। हाँ, थोड़ा सा बस बोलने का डिफरेंस है ना, दोनों के यूज अलग अलग है दोनों केस में। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि फ्लोर से हम क्या कर सकते हैं। डेट का फॉर्मूला है ना, सेकंड सैटरडे कैसे निकालेंगे? सेकंड सैटरडे निकालना है आपको मंथ का, या थर्ड सैटरडे निकालना है, उसके लिए कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं? अब दिखाता हूँ इसी फ्लोर के फंक्शन से कैसे लगाएंगे। मान लो कि मेरे पास ये आज की डेट डाल दी मैंने, आज क्या सेकेंड सैटरडे है क्या? तो आज फर्स्ट सैटरडे है, तो सेकेंड सैटरडे कब पड़ेगा वो उसका फॉर्मूला लगाते हैं। मैंने लगाया फ्लोर नंबर लिया यहाँ से, क्योंकि डेट भी एक नंबर ही होता है। नंबर यहाँ से नहीं लिया, नंबर मैंने दिया डेट के फॉर्मूला से। मैंने कहा ईयर जो है वो इधर से उठा लो, इसी का, कोई भी डेट डाल सकता हूँ मैं। अच्छा, मंथ भी इसी का उठा लो, ठीक है, और डे जो मैं डालूँगा, डे को मैं डाल दूँगा 14, तो इस मंथ की 14 तारीख, जो कि मैक्सिमम नंबर होगा सेकंड सैटरडे के लिए। अगर सेकंड सैटरडे आएगा तो 1 से 14 तक में ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है फ्लोर वाले में, जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक, ठीक है। सिग्निफिकेंस में दे देता हूँ 7 में, ठीक है, 13 अगस्त, ठीक है। हाँ, पहले रिजल्ट देखते हैं, फिर इस पे मैं आपको इसका अंदर की बात बताऊंगा कि कैसे आ रहा। रिजल्ट तो ठीक है, 13 तारीख को तो 21, 20 अगस्त, थर्ड सैटरडे 20 को पड़ेगा, 28, फोर्थ सैटरडे 27 अगस्त को पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये डेट के फॉर्मूला में ही चेंज करेंगे, बस इसको एक डेट देंगे और 7 में डाल देंगे। अब दिखाता हूँ इसका सीक्रेट क्या है, कैसे हो रहा है। इसको मैं कर देता हूँ डेट में कन्वर्ट, 1, 2, 3 को, ठीक है। टेक्स्ट से निकालता हूँ कि कौन सा डे पड़ेगा उस दिन। तो 1 जनवरी 1900 को जो दिन था वो था संडे, ठीक है। अब सैटरडे कब आपका पड़ रहा है? 7 तारीख को। सेकंड डे सैटरडे कब पड़ रहा है? 14 तारीख को, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने नंबर बढ़ा लिए, अब फरवरी में आ जाते हैं। 32 नंबर 1 फरवरी का है, 7 तारीख। अगर मैं इसको 38 देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये फिफ्थ में आ रहा है ना। मैं इसको नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ पहले, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, 32 में आ रहा था वो, 32 में 1 फरवरी, ठीक है, 28 पे रुका, सेकंड सैटरडे कब पड़ेगा? 14 फरवरी को, ठीक है। डेट क्या होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम कब पड़ना चाहिए? ये 45 नंबर पे,
पर ये कौन सा दिखाएगा मुझे क्या है। ठीक है, वैल्यू इसमें क्या पड़ रहा है, सैटरडे। समझ आया? सात के ही उसमें चलेगा। पहली चीज़ तो जो डेट मिलेगी वो तो सैटरडे ही होगी, ठीक है। जो ये रिटर्न करेगा सात से, वो सैटरडे ही रिटर्न करेगा। मैं उसे क्या कह रहा हूँ, बस इसको ये कह रहा हूँ, मैक्सिमम डेट दे देता हूँ इसे कि हाँ 14 तक पढ़ सकता है। ये अपने आप सात के उस पर सेट हो जाएगा, लास्ट सेवन पे। हाँ, फर्स्ट सैटरडे। हाँ, अब देखो, फर्स्ट सैटरडे यानी मैं 7 तारीख देता हूँ किसी भी महीने की। तो मान लो कि इसी महीने के मैंने 7 तारीख दी होती, जिसका नंबर है 38, ठीक है। इसमें कौन सा दिखा रहा है, 6 नंबर, 35 35। तो ये 35 पे आएगा और ये डेट रिटर्न करेगा, समझे? अब क्लियर हो गया होगा? आप मैक्सिमम दोगे, वो फिर उस उठा के वही पीछे वाली जो 7 से मैच कर रही होगी वो दे देगा, समझे? हर टाइम सैटरडे ही रिटर्न करेगा। हाँ, वो दिखाता हूँ इसका, पर कोई श्योर शॉट नहीं है कि संडे का वो इसी तरीके से रिटर्न करेगा। हमें क्या करना है कि देखो, सेकंड हाँ, तो सैटरडे से आप बस एक ट्राई कर सकते हैं कि ये जो डेट रिटर्न करने वाला है प्लस वन सेकंड संडे, मतलब ये फोर्थ संडे हो गया, ठीक है। पर जरूरी नहीं है ये हो। अगर आपका पहला संडे 1 तारीख को पड़ता है तो पहला सैटरडे कब पड़ेगा, उस केस में ये कंफ्यूज हो जाएगा। तो एक इफ के फॉर्मूला से आपको चेक करना पड़ेगा कि वो वाली डेट संडे तो नहीं है, ठीक है। इसी तरह जैसे जैसे बढ़ते जाओगे आपको ज़्यादा चेक करना पड़ेगा कि जैसे मंडे करना है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा पहला वाला मतलब जो ऊपर की डेट है उनमें कोई मंडे तो नहीं है, मतलब जितने नंबर यहाँ दे रहे। हाँ, स्टार्टिंग डेट संडे के अलावा होगा। हाँ, बाकी केसेस में सही देगा, पर दिक्कत वहीं देगा जहाँ पहला संडे पड़ गया। सैटरडे एकदम एग्जैक्ट चलेगा, समझ आया? तो फिर सिग्निफिकेंस को चेंज करेंगे, सात के बदले छह जैसे ना, तब छह के केस में क्या होगा, वो छह के मल्टीपल में चलता है और हमारा हफ्ता जो है वो 7 का होता है, 7 दिन का होता है। तो 6 के में चलेगा तो कभी आपको सही चीज़ देगा ही नहीं। हाँ, 6 से सेकंड मतलब 6 हमने कर दिया कि फ्राइडे के लिए, ठीक है, हमने कहा सेकंड फ्राइडे, तो वो 6 6 हम 12 पे चले जाएंगे, वो 12 रिटर्न करेगा, जबकि फ्राइडे 6 के बाद 12 को नहीं पड़ेगा, है ना? क्योंकि 6 में 7 जोड़ोगे तब आएगा, ठीक है। ऐसे ही वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो सीलिंग फ्लोर का समझ आया? इसका एग्जांपल भी आप नेट पे सर्च करोगे ना, फर्स्ट सैटरडे सेकंड, वहाँ नेट पे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, मिलेगा तो ऐसे ही पर थोड़ा सा और टफ मिलेगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसको छाट लो, ठीक है। तो अब इसमें आगे चलते हैं हम लोग। मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री में हाँ, कॉम्बिन देखते हैं क्या करता है। पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन देता है, जैसे मैंने 5 दिया कॉम्बिन, मैंने कहा 5 के 3 3 के कॉम्बिनेशन बनाओ, कितने बना दोगे? तो ये कह रहा है 10 बना दूंगा, मतलब 5 बंदों की लिस्ट है, ठीक है। पांच की लिस्ट है, अब आपको इसमें से 3 3 के बनाने हैं। तो पहला जो हो गया 3 का, ये हो गया,
दूसरा तीन का हो गया, ये वाला हो गया। हाँ तीसरा तीन का हो गया, ये हो गया। अब फिर उसके बाद चौथा तीन का हो गया, पहले के बाद इन दोनों को पकड़ लो, ऐसे करके। तो ऐसे तकरीबन 10 कॉम्बिनेशन निकलेंगे अलग अलग, ठीक है? ऐसे ही आप करोगे तो ये ठीक है। फिर इसका, फिर इस पे आएंगे, इसके साथ अलग बनाएंगे, इसका इसका इसका, ठीक है ना? तो ऐसे देखोगे तो कम से कम आपको 10 आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो आगे बढ़ाते जा सकते हैं। तो कॉम्बिन बेसिकली इसी के लिए होता है, पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालता है, ठीक है? कितने हो सकते हैं, ये लॉक वॉक तोड़ने के लिए, इन सब के लिए आप कर सकते हो, लॉक की कंपनी हो तो उसमें, अदरवाइज कॉम्बिन का यूज कम है। हाँ, और जो इसके वैसे फॉर्मूले हैं वो दिखा देता हूँ। जैसे पाई का फॉर्मूला होता था ना, पाई आर टू, तो पाई जो है आपको पाई का फॉर्मूला पाई की वैल्यू दे देता है, ठीक है? और स्क्वायर रूट निकालना है, तो जैसे 64 का स्क्वायर रूट निकाल लूँगा, SQRT स्क्वायर रूट। पावर निकालनी है तो पावर का फॉर्मूला है, इसमें 2 की पावर, ये रहा, तो स्क्वायर रूट पावर का फॉर्मूला है। इसके बाद आपके राउंड के फॉर्मूले हैं। हाँ, राउंड के फॉर्मूले के लिए मैं बना देता हूँ। 2 3 10.91, इन्हीं दोनों पे समझा देता हूँ। सबसे पहले राउंड का फॉर्मूला है, राउंड कितने डिजिट तक करना है राउंड, ठीक है? 2 डिजिट तक करना है, 2 डिजिट तक नहीं, 0 डिजिट तक करना है। तो ये ऑटोमेटिक होता है, 0.5 से जहाँ ज़्यादा होगा तो बढ़ा देगा, कम होगा तो घटा देगा, राउंड अप बढ़ाएगा। जब पैसा लेना हो तो राउंड अप करके ले लो, ठीक है? और जब देना हो तो राउंड डाउन। इसको राउंड अप में क्यों 11 लिया उसने? कुछ भी हो, 0.5 का वेट नहीं करेगा, 1 पॉइंट भी आगे बढ़ गया तो वो आगे ही दिखाएगा। जब भी तो कह रहा लेना हो तो राउंड अप करके लो, और जब देना हो तो राउंड डाउन करके, ठीक है? 0 डिजिट तक, ये इसमें कमी दिखाएगा, ठीक है? इसके बाद राउंड डाउन जैसे ही दो चार फंक्शन और होते हैं, इंट, इंट का फॉर्मूला है। इसका काम वो नहीं है राउंड करना, पर इंटीजर एक ऐसी कैटेगरी है कि ये पॉजिटिव नंबर, मतलब डेसिमल नंबर रख ही नहीं सकता है, तो वो रीड ही नहीं करता, इसलिए ऐसा राउंड डाउन जैसा ही काम करेगा। ट्रंक एक फॉर्मूला है, ट्रंक का मतलब है ट्रंकेट, तो ये क्या करेगा, उतनी डिजिट को छोड़ देगा। अच्छा, अगर आगे डिजिट 1 2 देंगे तो क्या होगा? जो 0 दिया आपने। हाँ, तो अगर अगर देखो, अगर हम यहाँ करते हैं राउंड अप में 1 डिजिट तक, नहीं ये तो ठीक है, उसका तो पता ही नहीं, डिजिट बना लेते हैं यहाँ पे, ट्रंक ट्रंक में, ट्रंक उसके उसकी छोड़ देगा, राउंड डाउन जैसा ही काम करेगा, ठीक है? राउंड डाउन जैसा ही काम करेगा, ठीक है? अगर ये देते हो, ठीक है? राउंड का एक और भी होता है, मान लो जो बिल बना 10,465, 10,465 है, आपके पास 100-100 के नोट हैं या 500-500 के, तो कितने पैसे चाहिए देने के लिए? राउंड अप में, राउंड राउंड फंक्शन में, अप में, डाउन में, आप ये नेगेटिव में भी चल सकते हो। जैसे -2 करोगे ना, तो
डेसिमल से आगे वाली दो डिजिट राउंड कर देगा। माइनस वन करोगे तो ये एक डिजिट 10 के नोट में उसमें राउंड करता चलेगा। तो इसको इस तरह से भी हो। हाँ, और आगे चलते हैं हम तीन पे तो हजार में चला जाएगा। हाँ, क्योंकि चार है ना, दस 400 है ना, 10 500 होता तो ये 11 दिखाता। ठीक है, माइनस पे यहाँ से बढ़ता है। देखो डेसिमल से पहले जब हम पॉजिटिव उसमें देते हैं कि दो डेसिमल तक, तो वो यहाँ से बढ़ता है। ठीक है, कि 1 2 3 4, और यहाँ माइनस वन माइनस टू ऐसे करके माइनस थ्री माइनस फोर इधर बढ़ता है। ठीक है, राउंड का क्लियर है। उसके बाद रैंड बिटवीन तो पता ही है, रैंडम नंबर जनरेट करता है। ठीक है, और आपका एक जीसीडी और एलसीएम का होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल और लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। तो जैसे मैं कहूँ कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल 12 और 18 का कौन है जीसीडी, इसमें मेरे खुद कन्फ्यूजन हो जाती है 6, क्योंकि ग्रेटेस्ट में सबसे छोटा आता है और एलसीएम में सबसे बड़ा आता है। और लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर जो है वो एलसीएम, और ये नंबर दे देंगे हम कि इनको कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जो मल्टीप्लाइड पे एक जैसा आएगा। तो लोएस्ट पे छोटा, छोटे पे बड़ा, ऐसे आता है। हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भी है वही है एलसीएम जीसीडी। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का पूरा ध्यान रखा गया है इसमें। इसके बाद मोड निकालना होता है। जैसे आपको यहाँ पे मैं कर दूँ जी सी डी और ये एल सी एम, ये था हमारा रैंड बिटवीन जी सी डी एल सी एम। मोड निकालना, मोड क्या होता है, जैसे 5 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो शेषफल होता है ना, रिमाइंडर, वो आपका मोड से आएगा। बता रहा है एक बचा। ठीक है, इसमें होता है आपने नंबर कौन सा डालना है और डिवाइड कौन सा नंबर करेगा। ठीक है, तो ये आपका मोड का फॉर्मूला है। ठीक है, एक और होता है वो फैक्टोरियल निकालते हैं ना हम लोग, जैसे 5 का फैक्टोरियल निकाल लेते हैं, तो ये आपका फार्मूला है फैक्ट का। ठीक है, फैक्ट ये बता रहा है 120, कैसे बता रहा है, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, वो रिवर्स में मल्टीप्लाई करता चलता है। एक आपके पास फैक्ट डबल का फॉर्मूला है, मतलब वो क्या करता है, एक छोड़ के मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर करें तो ये एक छोड़ के, फिर ये एक छोड़ के, इस तरह से फैक्ट डबल। आके देखें फैक्ट डबल एक छोड़ के फैक्टोरियल देता है, मतलब एक छोड़ के ऐसे मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, आप दोगे 5 ही, पीछे में चलते हुए फैक्ट क्या करता है,
ये सबको मल्टीप्लाई करता है पीछे वालों को, है ना। तो ये है ऑड इवन का फॉर्मूला है, इसी में दिखा देते हैं ऑड इवन। इवन ऑड, इवन का फॉर्मूला इवन देगा, इवन नंबर देगा हमेशा, ठीक है। इसको इधर कर देते हैं, अब आ जाए इवन और यहाँ दिखा देते हैं। इवन नंबर देगा, ऑड का फॉर्मूला ऑड नंबर देगा। ठीक है, मतलब एक बढ़ा के ही देते हैं ये इवन ऑड, एक बढ़ा के देगा इवन। इवन ऑड दोनों एक बढ़ा के देंगे, ठीक है। अगर कम होगा तो बढ़ा के इवन कर देंगे, या ऑड भी ऐसे ही करेगा, एक बढ़ा के ऑड कर देगा, जैसे दो को ऑड बना दिया, ठीक है। सम प्रोडक्ट होता है एक फॉर्मूला, सम प्रोडक्ट होता है, जैसे आपके पास रेट क्वांटिटी नहीं होता इस तरह से, ये रेट क्वांटिटी हो गया, ठीक है। रेट क्वांटिटी, ठीक है। अमाउंट निकालोगे कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई किया, और ग्रैंड टोटल कैसे निकालेंगे, सम कर लेंगे, ठीक है। सम प्रोडक्ट क्या करेगा, ये आपको मल्टीप्लिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली उसमें रेंज दे दो कि ये रहा आपका रेट और ये रही उनकी क्वांटिटी, दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम दे देगा, ठीक है। हाँ, ये जो हमने फार्मूला, सम प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, ये जो हम कर रहे हैं ना, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, इसका प्रोडक्ट का भी फार्मूला होता है, जिसका मतलब है सिंपल मल्टीप्लाई, ये कॉमा ये, तो ये प्रोडक्ट निकाल रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो हमने किया था वो प्रोडक्ट का सम किया था, तो इसलिए सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट का मैं एक एडिशनल यूजेज और बताऊँगा, ठीक है, पर वो एरे फार्मूला में बताऊंगा। आगे देखते हैं कुछ और बचा है। हेलो, नहीं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपके मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, ठीक है जी।